नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कि भारत में क्या पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा है वो भारत के लिए वरदान है या अभिशाप है। दोस्तों दरअसल बात अगर करें पॉपुलेशन की तो भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। अभी दूसरे नंबर पर चाइना है। पहले चाइना नंबर वन पर हुआ करता था, अब हम लोग चाइना को पीछे छोड़ के भारत नंबर वन पर आ चुका है। दोस्तों अगर हम टोटल अगर जगह की बात करें तो उसमें अगर जगह में देखें तो मात्र 2.5% जगह है भारत के पास पूरे वर्ल्ड की अगर जगह को देखें, और पॉपुलेशन की देखें तो वर्ल्ड का 17% यानी कि 17% पॉपुलेशन रहती है, यानी कि समझ लीजिए कि 2.5% जगह पर 17% लोग रहते हैं। अब दोस्तों ये इतना क्रिटिकल है, उसमें भी अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और वहीं साउथ इंडिया और दूसरी तरफ अगर देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। अगर बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में तो उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इस जगह पे अगर देखेंगे, पंजाब हो गया, इसके साथ ही हरियाणा हो गया, इस जगह पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। और उसी के बाद अगर थोड़ा सा हम मैप में अगर नीचे के साइड आएंगे तो हम देखेंगे कि साउथ में और ये जो मिडिल का एरिया है यानी कि पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान तो बहुत ही ज़्यादा जगह है उसके पास लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पे कम रहती है। आखिर ऐसा क्यों है कि सारी पॉपुलेशन ये नॉर्थ की तरफ है? अगर साउथ की बात करें तो वहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, वहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं रह रहे हैं? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में ही क्यों है? तो दोस्तों आइए समझते हैं कि सारी चीज़ें क्यों ऐसी हो रही हैं। दरअसल दोस्तों नॉर्थ इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि जब भी डेवलप किसी चीज़ को किया जाता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा पहले देखा जाता है कि पानी की सप्लाई कैसी है। तो दोस्तों भारत में अगर पानी की सप्लाई देखें तो नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छी है। दरअसल पानी की जो सप्लाई होती है ये दोस्तों होती है नदियों के द्वारा, वो भी ग्लेशियर से अगर जो पानी आता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो लंबे टाइम तक चलता है। तो नॉर्थ इंडिया में भी ग्लेशियर से पानी आता है, और साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ भी रिवर से पानी आता है, जैसे गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदी है वहाँ पर पानी इससे आता है। लेकिन वो नदी ऐसी हैं जो रेनफॉल पर डिपेंड करती है, अगर बारिश होगी तो उन नदियों में पानी रहेगा, नहीं तो वैसा पानी नहीं रहता है। और अगर हम नॉर्थ इंडिया के रिवर्स की बात करें जैसे गंगा नदी है तो ये खुद अपने आप हिमालय से निकलती है, ग्लेशियर से निकल कर आती है। और भी अगर बात करें तो ऊपर अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र आसाम में होकर आती है, आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश को निकल जाती है, लेकिन ये चाइना में इसका मेजर पार्ट रहता है पानी का, तो उतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके बाद अगर पंजाब के साइड पे देखें जो जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, वो नदियाँ रावी, बिलास, सतलुज ये जैसे हैं, इसका भी पानी इंडिया को ज़्यादा नहीं मिलता। तो मेनली जो भारत को पानी मिलता है वो मिलता है गंगा नदी से, यमुना नदी से। गंगा नदी का पानी सबसे ज़्यादा इंडिया में है। अब दोस्तों बात आपको बता दें कि जब पानी हमारे पास है नॉर्थ इंडिया में तो इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। दूसरा इसका मेजर रहने का कारण है कि यहाँ पे प्लेन्स हैं, प्लेन्स यानी कि बिल्कुल फ्लैट प्लेन, यानी कि इसकी जो ज़मीन है बिल्कुल बराबर है, उस पर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे किसी भी चीज़ के उपजाऊ करना यानी कि खेती बाड़ी करना यहाँ बहुत ज़्यादा ईजी होता है इन कंपेरिजन टू मतलब पहाड़ी एरियों में जो खेती होती वो अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अच्छा फर्टाइल ज़मीन इसको क्यों हो जाती है? दरअसल इसलिए हो जाती है क्योंकि पानी यहाँ पर जो आता है ये माउंटेन की तरफ से आता है, और जब माउंटेन से ऊपर से जब पानी आता है तो अपने साथ बहुत सी मिट्टी लेकर आता है, और वो मिट्टी जो यहाँ पर आ जाती है, यहाँ जम जाती है, वो जो सिल्ट होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। इसलिए भारत में देखा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो खेती होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं पानी की तो पानी मानसून से भी आता है, यानी कि मानसून दो तरफ से भारत की तरफ आता है, एक आता है इंडियन ओशन की तरफ से और दूसरी तरफ वे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है। तो जब ये पूरी तरीके से आता है मानसून तो आप ये समझ लीजिए नॉर्थ इंडिया में हिमालय है,
तो ये मानसून आता है, हिमालय से टकरा जाता है, तो जब ये हिमालय से टकराता है तो ये आगे चाइना की तरफ नहीं जा पाता, यानी कि और ऊपर की तरफ नहीं जाता है नॉर्थ की तरफ, ये टकराने के बाद ये पूरी बारिश नॉर्थ इंडिया में कर देता है। तो ये एक ये भी फ़ायदा है कि पानी मिलने का नॉर्थ इंडिया में, जबकि ये चीज़ ये लिबर्टी साउथ इंडिया में नहीं है, इसलिए वहाँ पर पानी नहीं बारिश हो पाती इतनी ज़्यादा, वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और इसके अलावा अगर बात कर दें तो दोस्तों ये जो वेदर है हिमालय की वजह से यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ठंडी वाली फसलें भी हो जाती हैं, जबकि साउथ इंडिया में इस तरह की फसलें नहीं हो पाती हैं। तो जब सारी सुविधाएं इस तरह की हैं, यहाँ पे पानी यहाँ पर है, मौसम भी यहाँ पर ठीक है, ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, दोनों ही तरह देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना भी ईजी है, तो हर एक चीज़ की डेवलपमेंट भी यहाँ पे अच्छी हो जाती है, प्रॉपर ब्रिज बन जाते हैं, प्रॉपर रेलवे का नेटवर्क है यहाँ पर। अब अगर बात करें पहाड़ी एरियों में, तो पहाड़ी एरियों में कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर जैसे कि अगर हमें पहाड़ों के ऊपर अगर रेलवे को कंस्ट्रक्ट करना है तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी कनेक्टिविटी है पहाड़ों की तरफ वो नहीं हो पाती रेलवे के द्वारा, वहाँ पर रोड बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन्स की तरफ रहती है, और प्लेन्स में रहने के बावजूद इनको यहाँ पर जॉब भी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे हर तरह का प्रोडक्शन होता है। और वही अगर साउथ इंडिया की तरफ देखें तो वहाँ पे टेरेन उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वहाँ पे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहते हैं, ज़्यादा लोग आपको नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। जिसमें भी आप अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो दिल्ली एक बहुत ज़्यादा छोटा एरिया है, वो देश की राजधानी है, लेकिन अगर वहाँ पे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे करीब 2 करोड़ से लेकर के 2.25 करोड़ के बीच के पॉपुलेशन रहती है। सोचिए दोस्तों इतनी छोटी जगह पे इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हाई है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ और इसमें अपडेट्स अगर आती है, कुछ और इस पर डिटेल मिलती है, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। धन्यवाद।